बिजनौर खबर टीवी में आपके शो आ गए थे। जिस बात का डर था वही हुआ, आ गई बिजनौर के गांव में बाढ़, मची अफरा तफरी, गांव वाले बुरी तरह से परेशान। दरअसल आपको बता दें कि पहाड़ों में मैदानी इलाकों में बेतहाशा मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण वे किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। हरिद्वार से छोड़े गए पानी के बाद गंगा किनारे बसे दर्जन भर गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, के फीट घरों में खेत खलियान में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चला है। ये पूरा मामला है बिजनौर के नवलपुर वे नारनौर इलाके का, जहां पर पिछले 24 घंटे से सड़कों घरों में खेत खलियान में पानी दाखिल हो गया है। बच्चे बूढ़े पानी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी होने से ग्रामीण पशुओं के लिए जंगल से चारा भी लाने से डर रहे हैं। कह टूटकर बरसे पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और इतना ही नहीं, किसानों के खून पसीने से तैयार की गई फसलें भी पानी के आगे बर्बाद हो चली हैं। देखिए पूरी खबर, गांव वालों ने क्या कहा। अनुज, क्या दिक्कत है आपके गांव में और कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ 550 है, करीब 550 करीब आबादी है। यहाँ पर तुम्हें 6-7 फुट पानी चल रहा है फिलहाल। खाने के लिए दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है, पशु है, पशु के लिए चारा नहीं है। प्रशासन के कोई लोग आए आपके खाने पीने कोई व्यवस्था करी है? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है, डंगर भुक्के मर रहे हैं। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? बस जो है, जो थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। क्या फसलों में भी पानी आया? हाँ जी, फसलें डूब गई, सब डूब गई। तो क्या सड़कों पे कितना पानी है, घरों में कितना पानी चल रहा है? घरों में कम से कम 5-5 फुट पानी है, सड़कों पर तो 7-8 फुट है पानी।